नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आशुतोष तिवारी। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट IBPS RRB PO की ऑलरेडी रिजल्ट आ चुकी है और नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके सामने एक कंप्यूटर की कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें मैं लगभग 10-12 लेक्चर्स लूँगा और प्रोबेबली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नए हैं, एज यू ऑल नो दैट स्टूडेंट फार्मायिश चैनल पे एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपको पता है कि एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव की गई है सर के द्वारा, जिसमें आप सिर्फ 399 में पूरे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये ऑल टेस्ट सीरीज होंगे, जिसमें सारे ही जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग, रेलवेज, SSC एंड ऑल इंश्योरेंस एग्जामिनेशन विद टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके आपको कंबाइंड टेस्ट सीरीज मिलेगी। और साथ में जो अटेंशन होगा कि एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, जो चैनल होगा उसमें एक प्राइवेट चैनल बनाया जाएगा एंड यू ऑल गेट एडवांटेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलेंगे एंड एज यू ऑल नो दैट कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। आता तो हमें सब कुछ है, बट द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू डू। और आपको पता है, ये इस बार आपके पास एक गोल्डन चांस है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। एज यू ऑल नो दैट कंप्यूटर अवेयरनेस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूँ। As you all know that 40 questions will be asked from computer section and all questions carries 1.5 mark and 20 mark total weightage होती है computer के लिए। अगर मैं last year की बात करूँ तो near about there was cut off of something 9.5 से 11 के बीच में कट ऑफ जाती है, यानी at anyhow you have to score or you have to solve at least 30 questions, probably right 30 questions आपको सही करने हैं। और एक सबसे बेस्ट बात क्या है कि कंप्यूटर में जो पूछे जाते हैं दैट वाज नॉट ऑफ दैट टू द लेवल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उतने हार्ड लेवल के नहीं रहते हैं, बेसिक्स की तरफ पूछते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को और साथ में देखेंगे कैसे, हाउ वी कैन अप्रोच फॉर द पेपर्स। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ लाऊँगा और PDF भी वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेट स्टार्ट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको मैं बता देता हूँ पहले कंप्यूटर के बारे में। एज यू ऑल नो दैट कंप्यूटर क्या है, व्हाट कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ मशीन और डिवाइस, जिसका जो मेन पर्पस होता है वो किसी भी प्रोसेस को करना, किसी भी कैलकुलेशन को करना या फिर कुछ भी ऑपरेशंस, लाइक वी कैन से दैट, देखिए बेसिकली हम कंप्यूटर को LU बोलते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ऑलवेज रिमेंबर, कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म्स भी मिलते हैं, एब्रिविएशंस भी मिलते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर विथ ऑल दिस थिंग्स। LU मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एज यू ऑल नो दैट अरिथमेटिक क्या होती है, मैथ्स, यानी जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सके, साथ में लॉजिकल यानी आपको लॉजिकली डिसीजन भी कंप्यूटर लेता है। दैट वॉज नॉट इन द अर्लियर वर्जन, बट इन दिस एरा वी कैन ऑल्सो टेक सम लॉजिकल डिसीजन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होती है, सिंपल वर्ड में बोली जाए, विच कैन बी टच्ड दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर, जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। विच कैन नॉट बी टच्ड दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। अब मैं बात करूँ किसे टच कर सकते हैं, देखिए आप CPU को टच कर सकते हैं, आप माउस को टच कर सकते हैं, आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, दिस ऑल द हार्डवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप टच नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ काम हो रही है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर पार्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ अगर कंप्यूटर की बात करता हूँ तो, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी कंप्यूटर की बात होगी तो कंप्यूटर में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला क्या है कि एक इनपुट होना चाहिए और दूसरा क्या होता है दोस्तों कि एक आउटपुट होता है। बेसिकली क्या है, इनपुट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप देते हैं। इनपुट मीन्स लाइक हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, कोई हमें डिसीजंस लेने हैं, तो हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर द सेपरेट थिंग्स। आपको उस पर फोकस करना होगा कि डेटा किसे बोलते हैं और इंस्ट्रक्शन किसे बोलेंगे, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। बट मैं यहाँ पे बताऊँ तो जो भी आप इन कर रहे हैं, मीन्स जो भी आप कमांड डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट, और जो हमें कंप्यूटर आपके डेटा के अगेंस्ट में इंटरप्रेट करने के बाद जो हमें रिजल्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। तो इनपुट आप जनरली देखा जाए तो आप कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ तो आप जॉयस्टिक के थ्रू देते हैं। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर जॉयस्टिक की बात की जाए तो आप जॉयस्टिक के थ्रू भी इनपुट देते हैं। आउटपुट जो हमें मिलता है या तो हमें स्क्रीन पे मिल सकता है, मीन्स स्क्रीन यानी स्क्रीन को ही हम मॉनिटर बोलते हैं, या फिर हमें बोल सकते हैं पेपर के फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाए, या फिर पंच कार्ड्स वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं। ना मूविंग टुवर्ड्स व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही सिमिलर चीज़ है, जस्ट लाइक वी कैन से दैट कि लेटर एंड वर्ड्स। तो आप याद रखो, लेटर क्या होता है, ए इज़ अ लेटर एंड एप्पल इज़ अ वर्ड। इन ए सिमिलर वे डेटा क्या होता है, जो भी रॉ कंटेंट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं,
उसे हम इंडिविजुअल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा बोलते हैं। और जब हम इन्हें प्रोसेस कर देते हैं, जब हम इन्हें किसी इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस कर देते हैं, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज याद रखना, डेटा हमें इनपुट साइज से मिलता है। इनपुट में हम डेटा देते हैं, लाइक आपने कोई डेटा पुट करते हो, कहीं पे भी आप एक्सेल शीट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग व्हाट यू डू। अगर आप कैलकुलेटर की बात करो तो हम जो डेटा पुट करते हैं, 2 × 3 × 4, दिस ऑल आर द डेटा। लाइक हमने पुट किए 2 × 3 × 4, ये हमारा क्या हुआ, डेटा हुआ। और जो हमें आउटपुट देगा कैलकुलेटर, 2, 3 × 6, 4 × 24, ये हमारा 24 क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। मीन्स एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, हाउ वी कैन डिफाइन इन्फॉर्मेशन एज यू नो दैट इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कि जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि इन्फॉर्म जो हमें एक वी कैन से दैट जो हमें आउटपुट मिला जिसके थ्रू हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, ऑन विच वी कैन गो ऑन द कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। डेटा इंडिपेंडेंट होता है और इन्फॉर्मेशन डिपेंड होता है। वाई डिपेंड, बिकॉज अगर आप 2 × 3 × 4 पुट किए तो 24 आएगा, अगर आपने 2 + 3 + 4 पुट किए तो आपका आंसर आ जाएगा 8, 9 आ जाएगा। यानी बहुत छोटी सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मीन्स ये 2, 3 और 4 क्या है, डेटा है। डेटा तो 2, 3 और 4 भी आपने सेकंड केस में किया, बट व्हाट यू हैव कमांडेड, आपने इंटरप्रेट क्या करने उसे बोले, उस बेसिस पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मीन्स इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द डेटा और द प्रोसेस। नाउ डेटा इज मीनिंगलेस एंड वैल्यूलेस। डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैंने 2 बोल दिया तो इसकी मीनिंग नहीं है। अगर मैंने उसके साथ कुछ कमांड दिए तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू होती है और मीनिंग भी होती है। होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, छोटी चीज़ है। नाउ देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बोल दूँ, ये इनपुट आप देते हो, बीच में प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस किया जाता है ये कंप्यूटर करता है, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑलवेज रिमेंबर, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको हमेशा याद रखना है। जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सीपीयू, तो हम उसमें देखेंगे कि सीपीयू में दो मेन चीज़ें होती है। पहले को हम बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU, और दूसरे को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, CU। यानी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी CPU, जस्ट लाइक ब्रेन, मींस आपको सारे कैलकुलेशन वहीं से कमांड होते हैं, तो कमांड क्या होगा, या तो अरिथमेटिक या लॉजिकल होगा। और अगर कोई कमांड आपने दिया तो उसे कंट्रोल भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि आपको ऐड करना है तो कंप्यूटर हर वैल्यू को ऐड करते नहीं रहेगा। यू हैव टू गिव एन कमांड दैट व्हेन टू स्टॉप फॉर द कंप्यूटर। तो इसके लिए हमें कंट्रोल यूनिट होती है, जो हमें कमांड को कंट्रोल करके रखता है। और जो हमें प्रोसेस आउटपुट में मिलती है, जो हमें प्रोसेस रिजल्ट मिलता है, एंड रिजल्ट मिलता है, उसे हम आउटपुट बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बेसिक चीज़ें थी, होप आपको पता होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जनरेशन क्या होता है, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। लाइक अगर हम बात करते हैं, अगर एक नॉर्मल जो डार्विन की थ्योरी है कि वी आर फ्रॉम, पहले हम बंदर थे, फिर हम धीरे 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 आज हम इंसान के फॉर्म में बने, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ बदलाव ही ये संस्कृति का नियम है और आपको बदलते रहना पड़ेगा। इन अ सिमिलर वे, जब जो हम आज कंप्यूटर देखते हैं, दैट वॉज नॉट द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ कंप्यूटर। जो हमें आज देखते हैं ये हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद हुआ है, बट जब बनी होगी तो एक अलग टाइप की बनी होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि पहले कैसा कंप्यूटर था, आज कैसा कंप्यूटर है, इवोल्यूशन जो किया गया, उस बेसिस पर हम कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। इनके कुछ ऐसे सेपरेट नाम्स नहीं है, बट आपको याद रखना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जनरेशन। आज हमारा लेटेस्ट चल रहा है 5th जनरेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, फर्स्ट जनरेशन क्या होती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी, वो 1940 से 1956 के बीच में जो भी कंप्यूटर बनी, उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। आपको याद कैसा रखना है, जैसा ये फर्स्ट जनरेशन किया, आपको यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लिख लेना है। फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्यों यूज़ करते थे, सर्किट्स के लिए। अगर आप देखते होंगे अभी भी जो ट्यूब्स रहते हैं, इतने मोटे मोटे ट्यूब्स लगते थे। नाउ यू कैन इमेजिन कि आज छोटे छोटे वायर्स और सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, और जब मोटे ट्यूब्स रहेंगे तो जो कंप्यूटर बनती होगी उनकी साइज जस्ट लाइक एक बहुत बड़े घर की जैसे होती थी साइज। तो वैक्यूम ट्यूब्स हम लगाते थे सर्किट्स के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम्स, बड़े बड़े ड्रम्स लगे रहते थे मेमोरी के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहला मेमोरी और दूसरा सर्किट। क्योंकि सर्किट नहीं रहेगी तो मेमोरी का कोई काम नहीं है, और अगर सर्किट है और मेमोरी नहीं रही तो आपने क्या उसे कमांड दिए वो कंप्यूटर को खुद नहीं पता रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जैसा हमने वी हैड ऑलरेडी डिस्कस की, वैक्यूम ट्यूब्स के कारण द साइज ऑफ कंप्यूटर वॉज वेरी लार्ज, एंड मशीन लैंग्वेज यूज़ होते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस की डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस कौन से होते हैं, बट अगर मैं आपको बता दूँ तो सिंपल वे में बोलिए, मशीन लैंग्वेज जो होते हैं वैसे लैंग्वेज जो मशीन समझ सकता है। अब मशीन क्या समझता है, मशीन हमारा कंप्यूटर मशीन जो है हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में।
कंप्यूटर कभी भी डेसिमल लैंग्वेज नहीं समझेगा, कभी भी ऑक्टल लैंग्वेज नहीं समझेगा, कभी भी हेक्सा डेसिमल लैंग्वेज नहीं समझेगा। यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू बाइनरी एंड देन यू हैव टू गिव द कमांड टू द कंप्यूटर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। वो जो कंप्यूटर थी वो मशीन लैंग्वेज भी थी, मीन्स जस्ट लाइक हम अर्ली डेज को याद करते हैं एबैकस को, कभी कभी देखते हैं जिसमें जीरो और वन का क्या वन रहते थे, बस दो ही तरह से आप डेटा फीड कर सकते थे, तो वही मशीन लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। नाउ इनपुट जो था इसमें कैसे देते थे, इनपुट्स हम पंच कार्ड से देते थे या फिर पेपर टेप से देते थे, और आउटपुट जो हमें मिलता था वो प्रिंटआउट के फॉर्म में मिलता था। बहुत देखो एकदम एक टिपिकल टाइप का कंप्यूटर था। इमेजिन करो एक रूम इतना बड़ा कंप्यूटर है जिसमें आपको पंच कार्ड से इनपुट दिया और दूसरे कॉर्नर से जाके आपको प्रिंटआउट निकला। ऐसे राउंड राउंड स्ट्रिप्स बने होते थे और वो राउंड राउंड स्ट्रिप्स पे आप 0101 करके लिखते थे और उन्हें कमांड देते थे। तो एक बहुत बड़ा मशीन था, जस्ट लाइक वी कैन सी द टिपिकल टाइप ऑफ मशीन आप बोल सकते हैं। और एज यू ऑल नो दैट कि उस समय एडवांस इतनी एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजीज, तो हम जो मटेरियल यूज़ करते थे वो एक बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे और हाई इलेक्ट्रिसिटी भी लेते थे वो। और इस टाइम के अगर पूछा जाएगा, हमेशा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन से थे, तो यूनिवैक एंड इनैक, ये आपको याद रखना है। यूनिवैक मीन्स फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनवैक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ कम बैक टू द सेकेंड जनरेशन। ये वो समय था जब 1956 से 63 के बीच में सेकेंड जनरेशन आया। अब देखो कैसा आपको यहाँ से समझेगा इवैल्यूएशन कैसे हुआ। पहले हमने क्या यूज़ किए थे, पहले हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए थे। यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब को हमने रिप्लेस कर दिए ट्रांजिस्टर से। अब हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, जो क्या होता था, विच वॉज स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब से स्मॉलर होता था, फास्टर भी होता था और सस्ता भी होता था और हेवी नहीं होता था, जिस कारण से मशीन बल्की नहीं बनती थी और साइज़ थोड़ा सा कम हो गया। नाउ जो हम पंच कार्ड से अर्ली टाइम में भी हम पंच कार्ड से ही इनपुट देते थे, यहाँ पे भी हमने इनपुट पंच कार्ड से ही दिए। सिंपल याद रखना, हमने मशीन लैंग्वेज यहाँ यूज़ किए थे, हाँ यहाँ हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ की। तो बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होती है कि ऐसी कौन सी जनरेशन है जिसमें हमने पहली बार असेंबली लैंग्वेज यूज़ की, तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जनरेशन वन में हमने मशीन लैंग्वेज यूज़ की, जनरेशन टू में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ की। जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हम ऑल इन सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब ये कंप्यूटर की सबसे खास बात क्या थी कि ये डेटा को स्टोर कर सकते थे, दे कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते थे। जो फर्स्ट जनरेशन था वहाँ पे आपने कमांड दे दिया, लाइक अगर आपने प्लस माइनस फीड कर दिया तो अभी हमारा क्या होता है कि हम इजीली इक्वेशन बना लेते हैं और वैल्यू पुट करके आउटपुट मिलता है, वैल्यू पुट किया आउटपुट मिलता है, क्योंकि इक्वेशन को स्टोर करके रखते थे। ये फैसिलिटी हमारे फर्स्ट जनरेशन में नहीं थी, ये फैसिलिटी थोड़ी बहुत सेकेंड जनरेशन में इम्प्लीमेंट की गई। और यहाँ पे याद रखना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अर्लीस्ट वर्जन ऑफ कोबोल एंड फॉल्ट्रैन, अगर मैं कोबोल की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है, कॉमन बिजनेस लैंग्वेज। और फॉल्ट्रैन क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेटर, ना याद रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फार्मूला ट्रांसलेटर। यानी ये एक दो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस थे जो जिसके स्टार्टिंग वर्जन हमें देखने मिले थे सेकंड जनरेशन के इनिशियल डेज में। यानी फर्स्ट जनरेशन तक तो इनका कोई नाम निशान नहीं था, जब सेकंड जनरेशन आई तो अर्लीस्ट वर्जन ऑफ कोबोल एंड फॉल्ट्रैन हमें दिखने मिले। इन अ सिमिलर वे अभी हमने क्या किया, साइज़ को थोड़ा सा कम किया। अब थर्ड जनरेशन की बात करते तो यहाँ पर आपको याद रखना है चिप, अगर आप मैं बोलूँ फर्स्ट जनरेशन क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन क्या था, ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन क्या था, चिप, सिलिकॉन चिप्स यूज़ करते। तो हम आज चिप्स देखते हैं, सिलिकॉन चिप्स विच आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स, जिसपे सर्किट्स पे हम बहुत सारे छोटे 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 इक्विपमेंट लगाते हैं। जस्ट मैं बोलूँ आपको इमेजिन करने के लिए, तो जो पहले हमारा रेडियो होता था जो हम चैनल को ट्यूनिंग करके हम देखते थे, उसको आप खोलेंगे तो उसमें एक इतना बड़ा छोटा सा एक चिप रहता था जिसमें छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स लगे रहते थे। तो सारे जो ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पे चिप पे लगा दिए थे। नाउ इस कारण से क्या हुआ कि मैसिव इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड स्पीड। अब जब हमने चिप कर दिए, यानी हमने सर्किट को छोटा कर दिए और साथ में उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, तो जिस कारण से हमें स्पीड और एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला। नाउ ये कुछ बेसिक बातें थी। सिमिलर वे से जब हम आगे बढ़े तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये फर्स्ट कंप्यूटर था जहाँ पे इंटरेक्टेड यूजिंग कीबोर्ड एंड मोनिटर्स वेर यूज विच वेर इन्फर्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स एक थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर थी जिसमें पहली बार मोनिटर और कीबोर्ड्स को लाया गया था साथ में। ये थी थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पहली बार मोनिटर और
कीबोर्ड्स को साथ मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया गया था। नाउ हम आगे बढ़ते गए और इवोल्यूशन हुए 1972 से 2010 की जो एरा है उसे हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ क्यूब, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं म्यूपी, दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये वो एरा था, ये वो समय था जब एप्पल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट इन लोगों ने अपने इवोल्यूशन से स्टार्ट कर दिए थे और एक अच्छी खोज करने लगे थे। हर चीज़ों को कॉम्पैक्ट बनाने का दौर चल रहा था, डिजिटलाइजेशन हर जगह हो रही थी, लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे थे दोस्तों। और यहाँ पे इंटेल नाम की जो कंपनी थी इसने पहली बार अपना पहला वर्जन लॉन्च किया जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, जस्ट लाइक क्या हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन चिप से भी छोटा होता है, जिसमें एक ऐसा छोटा सा इक्विपमेंट होता है जिसमें सारे चीज़ें इंटरकनेक्टेड होते हैं और आप उस इक्विपमेंट की तरह से सारे जो जो कमांड आपको करना है, माइक्रो प्रोसेसर आपको समझना हो तो वी कैन से दैट कि एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें टोटल 32 टू 40 बटन्स होते हैं, डिपेंड करता है ये कितने बिट की है, अगर ये 48 बिट की है या 64 बिट की है। बिट मींस क्या होता है, ये एक एक बटन को हम बिट बोलते हैं, यानी या तो 48 लाइंस होंगे या 64 लाइंस होंगे। और इन बिट को हम कमांड करके, इन बिट को हम एक प्रोग्राम देना पड़ता था, ये प्रोग्राम के थ्रू हम जो चाहते थे वो हम करवा सकते थे। आज का भी जो एरा है उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर आ गया है, आजकल एडवांस माइक्रो प्रोसेसर आ गया, सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे पहली बार इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया था। साथ में जो देखने वाली बात थी कि सारे चीज़ों को, यानी सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सारे चीज़ों को एक सिंगल चिप पे कन्वर्ट कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज़ कब हुआ था तो थर्ड, अगर क्वेश्चन है सीपीयू, मॉनिटर, इन सारे चीज़ों को एक चिप पे कब लाया गया था, दैट वाज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे पहली बार फर्स्ट एवर आईबीएम कंपनी ने अपना कंप्यूटर लॉन्च किया था 1981 में। ये खैर डेटा जो है आपको बस याद रखना है, 1984 में एप्पल ने लॉन्च किया था, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अगर पूछा जा सकता है कि आईबीएम ने अपना फर्स्ट कंप्यूटर कौन से जनरेशन में लॉन्च किया, दैट वाज द फोर्थ जनरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम जीयूआई यूज़ करते हैं, जिसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। आज हम जो ग्राफिक्स देखते हैं, आज तो सिनेमाटोग्राफिक्स हमें देखने मिलता है, छोटे छोटे कार्टून्स बनते हैं, बट दैट वाज नॉट द एक्चुअल ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मीन्स जस्ट लाइक एक पहले विजुअल टेक्निक्स होते, विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं, विजुअल्स जो आपको दिखने मिलते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स देखते हैं। आज हमारे कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड्स वगैरह सब कुछ आते हैं। तो पहली बार ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का यूज़ जो था वो फोर्थ जनरेशन में किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे माउस जो है यूज़ होने लगा था ये जनरेशन में, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नाउ 2010 के बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आप देखते होंगे, जब हम 2015-16-17 में थे अपने ग्रेजुएशन के सालों में, तो हम ऐसा सुनते थे बार बार क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन। आज हम मोबाइल पे बोलते गूगल हु इज़ द बेस्ट, विच इज़ द बेस्ट सीरीज़ फॉर द IBPS RRB। तो गूगल हमें कमांड, आवाज़ हमारे सुन के, मीन्स जस्ट लाइक इमेजिन कि हमें टाइप नहीं करने पड़ती और साउंड सुन के बस वो हमारा आंसर पुट कर देता, दीज आर द सम सर्चेज, वो हमारे सामने सर्च कर देता। मीन्स क्या हुआ कि आज गूगल या फिर आप बोल सकते हो आज मोबाइल या फिर लैपटॉप में आज इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हमारे आवाज़ों से भी सर्च होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉइस रिकॉग्निशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर सुपर कंडक्टर्स यूज़ करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे हम जब मूवीज़ देखते हैं, जस्ट लाइक कोई अगर हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम दिखते हैं वहाँ पे हाथों से इशारा कर करके वो कंप्यूटर के डेटा को अप्रोच करा लेते हैं, दैट इज़ जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि अभी क्या हो गया कि इतनी एडवांस हो गई है कि कंप्यूटर, या फिर आप बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स को देखते होंगे जो स्क्रीन पर लिखते हैं, तो वो उनकी जो स्क्रीन्स रहती है वो पूरी डिजिटलाइज होती है, उन्हें वो जैसे जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप हमें रोबोट्स देखने मिलते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग की जा रही थी की गई होती है। तो इन सारे चीज़ों से हमारा जनरेशन इवॉल्व हुआ। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन, तो हमारा यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, रिवाइज करते हैं थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में हमारे ट्रांजिस्टर के बाद हमारा क्या यूज़ हुआ, चिप यूज़ हुआ, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ, और फिफ्थ में सुपर कंडक्टर यूज़ हुआ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ हुई। फ्रेंड्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ 6-7 क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए किया। अगर आपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा है तो उम्मीद करता हूं आप आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ टर्म इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, चेंज इन टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं। अभी हमने पूरी रामायण देखी कि जनरेशन कैसा हुआ, मीन्स हर एक जनरेशन में हमारा इवोल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो जब भी चेंज इन टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम जनरेशन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI, अगर मैं बोलूँ तो वेरी लार्ज
इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं हम, जिसको माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होती है, ये हम फोर्थ जनरेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि तब हमने इंटेल का स्टार्टिंग हुआ था मार्केट में आना। तो VLSI जैसा माइक्रो प्रोसेसर वर्ड आएगा, इंटेल क्या था, वो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, तो हमें फोर्थ जनरेशन में टिक कर देना है। नेक्स्ट है, दैट इज़ द इमर्जिंग ब्रांच, विच इज़ एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस, विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने बोला था रोबोट की तरह यूज होता है, जस्ट लाइक जो एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कमांड डेटा वगैरह सब कुछ गिवन और वो ह्यूमन की तरह काम करता हो, दैट इज कॉल्ड एज AI। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ULSI। ULSI आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है जो पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आप इन चीज़ों को याद करते जाओ। HLL क्या होता है दोस्तों? HLL इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी दो तरह के लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है HLL हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज है LLL। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी जब हम पेपर में जाते हैं तो पूछ देता है कि वॉट इज L इन HLL, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। तो वहाँ पे आपको गिवन रहेगा, अगर दो L है तो बोला जाएगा विच फर्स्ट वन L और सेकेंड वन L। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड यूजिंग कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स, यानी कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड्स और मॉनिटर यूज़ किया गया था। तो ये आपको सिंपल सी बात है, पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर यूज़ हुआ था थर्ड जनरेशन में, जैसा हमने डिस्कस किए थे। फोर्थ जनरेशन में कीबोर्ड मॉनिटर इन सारे चीज़ों को हमने एक चिप पे ला लिए थे। थर्ड में पहली बार हमने कीबोर्ड मॉनिटर यूज़ किए थे। फोर्थ जनरेशन में हमने पहली बार GUI यूज़ किए थे, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किए थे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको आपकी कुछ क्वेरीज हो या कुछ सजेशंस हो तो यू आर वेलकम ऑन द यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर माई डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।